बीसीसीआई के डोमेस्टिक सीजन को लेके बीसीसीआई ने बहुत ही बढ़ा दिया है अपडेट। तो कुछ कुछ ट्रॉफीज हुए हैं पोस्टपोन, तो कौन से वो ट्रॉफीज, कब होंगे ये ट्रॉफीज, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको सबको मालूम है कि सितंबर महीने से चालू होने वाली थी विनू मार्कर ट्रॉफी, बट कुछ कुछ स्टेट्स में साइक्लोन की वार्निंग आई है जिसके चलते अभी वो बिल्कुल भी पोस्टपोन कर दिए गए। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे बीसीसीआई की ऑफिशियल नोटिस है, और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि ड्यू टू हेवी रेन, बैड वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग इन सम स्टेट्स, विनू मार्कर ट्रॉफी हैज बीन पोस्टपोन टू 30 सितंबर। दोस्तों तो यहाँ पे जो 28 सितंबर से चालू होने वाली थी बहुत सारे स्टेट्स में, वो होंगी अभी 30 सितंबर से। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप जैसे कि मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उन्होंने भी मेंशन किया है, एक न्यूज दी है कल जो आई है, तो बिल्कुल भी उन्होंने मेंशन किया है कि ड्यू टू साइक्लोन वार्निंग जो विनू मार्कर ट्रॉफी होने वाली थी, डोमेस्टिक सीजन जो होने वाला था डिले हो चुका है, और सितंबर को ये बिल्कुल भी विनू मार्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। यूपीसीआई की अगर बात की जाए तो उन्होंने शेड्यूल भेजा था, यहाँ पे आप जैसे कि मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 28-29 सितंबर को मुकाबले भी थे वुमेन्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के, उसके साथ ही साथ यहाँ पे विनू मार्कर ट्रॉफी के भी कुछ कुछ मुकाबले 28 और 29 सितंबर को थे। बट दोस्तों यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 28 और 29 सितंबर के मुकाबले है वो बिल्कुल भी पोस्टपोन कर दिए जाएंगे या फिर रद्द किए जाएंगे ड्यू टू साइक्लोन वार्निंग। तो दोस्तों ये तो हो गया विनू मार्कर ट्रॉफी को लेके। दोस्तों यहाँ पे दूसरी अपडेट की अगर बात की जाए तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया, काफी समय बाद ये बिल्कुल भी अपडेट आया है। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मुंबई में क्रिकेट ट्रायल जल्दी चालू हो जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं आ रहा था मुंबई से, और यहाँ पे जो मुंबई के पेंडिंग ट्रायल्स है वो बिल्कुल भी अभी इसी महीने से या फिर अगले महीने से चालू हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थे महाराष्ट्र के अंदर, तो जिसके चलते हुए थिएटर्स मॉल्स वगैरह सारा बंद थे, जिसके चलते हुए ट्रायल्स नहीं हो पा रहे थे। बट दोस्तों यहाँ पे अभी ट्रायल्स होने वाले हैं चालू, तो बिल्कुल भी आप अपने एसोसिएशन के साथ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कॉन्टेक्ट करना ना भूलना। महाराष्ट्र से अभी भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इस साल के जो महाराष्ट्र के ट्रायल्स स्टेट ट्रायल्स जो है बिल्कुल भी यहाँ पे क्लोज फॉर्मेट में खेले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र के ट्रायल्स है या फिर किसी और भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वहां पे ट्रायल्स क्या क्लोज फॉर्मेट में ले चाहिए या फिर ओपन फॉर ऑल रखने चाहिए? ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि क्लोज फॉर्मेट क्या होता है, क्लोज फॉर्मेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है या फिर परफॉर्मेंस दिया है ऐसे प्लेयर्स को ही सिर्फ ट्रायल देने के लिए बिल्कुल भी भेजा जाता है। और यहाँ पे ओपन फॉर ऑल का मीनिंग है कि कोई भी बंदा यहाँ पे ट्रायल दे सकता है बिना एकेडमी लगाए भी। तो आपके जो भी व्यूज है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलना। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है, तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। बट दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं ऐसे अपडेट आपके सामने लाता रहूं तब। और तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और अपडेट के साथ। बाय बाय।